हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्यम। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी ई। ओके, तो इससे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेस। इसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे इसके बाकी सारे पार्ट्स का। ओके, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेस अ सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। एकदम आसान शब्दों में सेपरेशन टेक्निक है, इन विच चार्ज स्पीसीज आर सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड साइज बाय देयर डिफरेंस रेट्स ऑफ माइग्रेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाम से समझ आ रहा है कैपिलरी मतलब एक पतली नली, ठीक है, जो जिसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोफोरेस मतलब कि इलेक्ट्रिक का यहाँ पे यूज हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। देन पॉजिटिव चार्ज आयन माइग्रेट टूवर्ड अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव चार्ज आयन माइग्रेट टू अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये तो कॉमन सी बात है, प्लस प्लस जो है माइनस की ओर जाएगा और माइनस जो है प्लस की ओर जाएगा। ओके, आसान शब्दों में एकदम। एंड आयन हैव डिफरेंस माइग्रेशन रेट डिपेंडिंग ऑन देयर टोटल चार्ज साइज एंड शेप एंड कैन देयर फॉर बी सेपरेट। ओके, एंड दिस सेपरेशन टेक्निक फॉर माइक्रोसाइज सैंपल वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द स्वीड्स केमिस्ट एरन ट्विंस इन द 1930s। ओके, तो साथ में इसकी कुछ एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन बी सेपरेट कैपिलरी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इन सब मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जा सकता है। प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, इनऑर्गेनिक आयन है, ऑर्गेनिक बेस है, पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन आ जाएगा पूरा, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड में क्या आएगा, डीएनए आरएनए जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक आयन, ठीक है, ऑर्गेनिक आयन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफाइल का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो सेपरेशन के जो एग्जाम्पल है, सेपरेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जा सकता है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछते थे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।